तो मैंने आज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है। मैं पोएट्री नहीं, आज कॉमेडी करूँगा। जो भी है, मतलब आपके कहने का जो तरीका है, जो आप बताते हैं चीज़ें, वो थोड़ा उदासी लहजे में बताते हैं, बट मैं उसको थोड़ा सा फनी वे में बताऊँगा। वो एक रात की दास्तां है, एक रात में कैसे माहौल चेंज होता है, आपके लाइफ में क्या बदलाव आती है, उसके बिहाव पे है। तो शुरू करते हैं कि उस रात लगभग बज गए थे एक, मैं खा पी कर हो गया था सेठ। उस रात लगभग बज गए थे एक, मैं खा पी कर हो गया था सेठ। तभी उसका कॉल मेरे फोन पे आया, न जाने मेरे मन में हजारों सवाल सा छाया। वो बोली कि मुझे तुमसे अभी मुलाकात करनी है, बहुत ज़रूरी तुमसे बात करनी है। मैंने उससे बोला अभी सो जाओ तुम, अभी बहुत रात हो रही है, मेरे पास छाता भी नहीं है और बाहर बरसात हो रही है। वो बोली नहीं, आज ही तुमसे मिलना है, मिलना बहुत ज़रूरी है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, क्या कोई मजबूरी है? फिर क्या, मुझे उस नारी के हटके सामने झुकना पड़ा, उसके गली के कुत्तों के संग आधी रात में रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो आई, पर वो मुझसे थोड़ी दूर खड़ी थी। ऐसा उसका शौक था या मजबूर पड़ी थी। बस कुछ देर बाद वो आई धीरे से पास मेरे, और बोली कि तेरे मोहब्बत के छाते में अब और ये धूप गर्मी बरसात नहीं सह सकती, मुझे मिल गया है तुमसे भी बेहतर कोई, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। एंड सी सेड इंग्लिश कि आई थिंक अजीत आई डिजर्व समवन बेटर, सो आई हैव टू लीव नाउ एंड आई विल टॉक टू यू लेटर। तो उसने बोल, अच्छा ये आई डिजर्व समवन बेटर जो वर्ड है ना, एक्चुअली इसका इन्वेंट लड़कियों ने किया है। आज तक किसी लड़के के मुंह से ये बात नहीं निकली होगी कि आई डिजर्व समवन बेटर। लड़के क्या हैं, हम लड़कियों को एज ए वरदान समझते हैं कि हमारे जिंदगी में अगर कोई लड़की आए तो हम तो भोलेनाथ कि आइए कि हमारा सोमवार सक्सेस हो गया। तो जब उसने बोली कि आई डिजर्व समवन बेटर, तो मैंने उस पर चंद लाइनें लिखी कि पहले आई लव यू आई मिस यू आई किस यू, अब आई टॉक टू यू लेटर कहती है, करके बर्बाद जवानी के 2 साल, बाबू मेरी आई डिजर्व समवन बेटर कहती है। शुक्रिया। कि पहले लगता था मैं उसे ऑडी फरारी, अब नैनो 3 सीटर बन गया हूँ। पहले सारी खूबियाँ नजर आती थी मुझ में, अब झूठा मकार चीटर बन गया। वो एक दिन वो अपने नए वाले बाबू का इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि थैंक यू बीइंग माय सोलमेट। तो वो 2 दिन के जो इश्क में है लड़का, उसके लिए लिखा है कि 2 दिन भी ना मिले हुए इश्क में उस चूजे से। अब मैं चूजा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ी पता कि मुर्गा बना है या नहीं बना। 1 महीने के बाद जब उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप होगा, तब उसको लगेगा कि मेरा कट रहा है। कि 2 दिन ना हुए मिले इश्क में उस चूजे से, अब उसे अपना सोलमेट मानती है, मुझे देख के कर देती है वो अनदेखा, अब तो मुझे डोरमेट मानती है। और आखिरी पंक्तियाँ लिखी है, अब किसी पंडित जी के लड़के का दिल तोड़ी है तो श्राप तो बनता है यार। तो सहृदय अगली कुछ पंक्तियाँ है समर्पित उस बेवफा के लिए कि याद रखना बड़ा बैड किया है तुमने मेरे साथ, एक दिन तेरे साथ भी बैड हो जाएगा। एक दिन वो छोड़ के जाएगा तुम्हारा नया वाला बाबू, किसी रोज वो तुम्हारी सहेली से सेट हो जाएगा।
आखिरी के एक शायर सुनाना चाहूंगा कि शाखों से टूटे पत्ते कभी शाखों से सवाल नहीं करते, कि शाखों से टूटे पत्ते कभी शाखों से सवाल नहीं करते, अगर वो बिछड़ कर खुश है तो खुश रहे, अब हम भी किसी खुदगर्ज वफा के लिए दिल में मलाल नहीं करते, और जिनको सलीके वफा मालूम नहीं उनसे वफा की उम्मीद क्या ही करें, कि जिनको सलीके वफा मालूम नहीं उनसे वफा की उम्मीद क्या ही करें, उनकी अदा होती है हर किसी को अपना बनाने की, मगर वो कभी इश्क में कमाल नहीं करते। थैंक यू।